आगे बढ़ते हैं। करौली के हिंडौन सिटी से खबर है। टोडा भीम के नादोती क्षेत्र में कुएं में युवती का शव मिलने का मामला सामने आया। हिंडौन के जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम संपन्न हो गया है। पोस्टमार्टम में प्रथम दृष्टया युवती को गोली मारकर हत्या की बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक पहले युवती से दुष्कर्म और उसके बाद युवती पर एसिड फेंका गया है। इसके बाद युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम के दौरान युवती के शव से गोली पाई गई। हत्याकांड युवती का शव फेंककर हत्यारे वहां से भाग गए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता और परिजनों के साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरती पर बैठे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसके साथ ही आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग भी की जा रही है। पिछले 3 घंटे से हिंडौन के जिला अस्पताल में धरने पर बैठे हैं डॉक्टर किरोड़ी मीणा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे सहयोगी मनोज जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ आपको स्थिति अभी दिखाई दे रही है? समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है नहीं? जी बिल्कुल, ताजा स्थिति जहां तक मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से सबसे पहले खबर प्रसारित की गई है। जो ये जिस युवती का शव कुएं में मिला था उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। उसके सीने में कारतूस मिला है। मौके पर जो ताजा स्थिति है, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल बैठे हुए हैं, परिजन और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं और फिर से पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई है। वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई है। इसके अलावा जो मांग की जा रही है उसमें आर्थिक सहायता और परिजनों को नौकरी की मांग की जा रही है। इस मामले में परिजनों का, ग्रामीणों का पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप है। उनका कहना है कि पुलिस के पास में जब युवती घर से गायब हुई थी उस समय शिकायत लेकर गए थे लेकिन उनकी शिकायत नहीं सुनी गई। इतना ही नहीं, आज जब सुबह युवती का शव मौके पर मिला, कुएं पर मिला, उसके बाद में मौके पर FSL टीम को नहीं बुलाया गया, जिसके चलते जो प्राथमिक तथ्य संकलित होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं संकलित नहीं हो पाना एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है, जो की जांच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होता है। ताजा स्थिति जो है वो ये है, धरना बराबर जारी है और युवती का शव पर ये जानकारी आप दे पाएंगे की जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना परिजन पहुंचे उसके कितने घंटे या कितने दिन के बाद यह शव मिला है और उस दौरान पुलिस क्या कर रही थी और आज FSL की टीम को क्यों नहीं बुलाया गया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, कल सुबह युवती घर से लापता हुई थी, इसके बाद में परिजन उसकी सूचना लेकर पुलिस के पास पहुंचे थे लेकिन उनको कह दिया गया कि आ जाएगी, तलाश कर लो, उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद में आज सुबह नालोदी के समीप भीलापाड़ा में कुएं में युवती का शव मिला, ग्रामीणों ने देखा था, उसके बाद सबको निकाला गया, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के बाद में उसको अस्पताल ले जाया गया। मौके पर जो एक प्राथमिक कार्रवाई होती है सबसे बड़ी FSL टीम को बुलाने की, वो जांच नहीं कराई गई। इसके बाद में उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए हिंडौन लाया गया जहाँ पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल भी पहुंच गए। इसके बाद में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें पोस्टमार्टम में उसके सीने में कारतूस होने की पुष्टि हुई। इसके अलावा रेप की बात भी सामने आ रही है। मनोज, अभी तक पुलिस ने अगर कोई मामला दर्ज किया है इस मामले के अंदर तो कितनों को आरोपी बनाया गया है? जी जहां तक बात की जा रही है अभी इसमें कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि प्राथमिकी दी जाएगी, उसके बाद में मामला दर्ज कर लिया जाएगा। और प्राथमिकी अभी तक क्यों नहीं दी गई? जी प्राथमिकी परिजनों की ओर से दी जाएगी, उसके बाद में ही दर्ज होगी। परिजनों का कहना है कि कल जब वो लापता होने की लापता की सूचना लेकर गए थे उसके बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। अभी सारे लोग उस रुदन क्या थाने के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। और युवती का शव एसिड से कितना जला? मुंह पर उसके जलने के निशान है, कपड़े पर जलने के निशान, मुंह पर तेजाब के निशान है सुबह जो देखा गया था। इसके अलावा जो उसके कपड़े पर तेजाब के निशान पाए गए हैं, चिकित्सकों का कहना है कि इसके पूरे नमूने संकलित करके भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट पूरी आने के बाद में और विस्तृत खुलासा किया जाएगा। मनोज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।